मुफ्फल है, मैं अहमदनगर फसलान सर में रहने वाला हूँ। तो मेरा मोहम्मद वीर परवेज अली वीर आमिर अली दोनों मुझे उनको अटैक करे, जान में हमला करे और मेरे भावच पे बैठे गए। मैं सिर्फ बात करने से आया था, ये दोनों भी मिलकर मेरे को अटैक कर दिए छुरी से, जिस वजह से मेरे को 14 टाके लगे, 4 लगे, 10 हमले की वजह क्या है ये? हमले की आपस में पैसे दो बोल रहे नशे की, समझे बात मेरी, पैसे नहीं दिए तो आके मारने दिए तो मारो थोड़ी कर रहे सब घरों पे। हमारे भाई की वाइफ को मारने गए तो मैं आके बीच में आके बचाया तो वो लोग मेरे ऊपर अटैक कर दिए, समझ जाइए। समझे ये फुल दुनिया का चला, दुनिया की तबीयत खराब, मैं भी एक शुगर पेशेंट आदमी हूँ। आप पुलिस में कंप्लेन करिए। मैं कंप्लेन तो करा हूँ, कंप्लेन करके दिया हूँ। आज शाम में 5 बजे अस्पताल की कापी देते बजे बोले, मैं हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करता हूँ साहब, मैं कैब ड्राइवर हूँ, मुझे जान की कभी भी लोगों से धोखा है, कभी भी लोग कुछ भी कर सकते मेरे साथ, धन्यवाद। तो गुजारिश है मेरी, बस मेरी हिफाजत के लिए बोले मेरी मेरी फैमिली की, धन्यवाद। इन लोग कुछ भी कर सकते, कैब भी कर सकते, अल्लाह बस बोले, मैं काम करने वाला सीधा आदमी हूँ बस। मेरा नाम मेरा बेगम है, मैं फसलान सर से, मैं फसलान से अहमदनगर से हूँ। परवेज अली मेरे हस्बैंड को मारने के लिए बहुत वो करे और मेरे साथ बहुत बदतमीजी करे, बहुत गाली गलौज करे। 3 साल पहले मैं अपनी वाइफ को भी ऐसी नशे की हालत में मार दिए थे और हर टाइम पैसे 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 मांग रहा हूँ, पैसे नहीं देने की फिर मेरे हस्बैंड से उनकी बहस हो गई। फिर मैं मेरे सपोर्ट के, मेरे हस्बैंड उस टाइम ड्यूटी पे थे, मैं सपोर्ट के लिए मेरे कई के पैसे क्या पैसे बदल देना है, नहीं उनको नशे की आदि है, उन्होंने नशे के लिए पैसे मांगते रहते, नशे की आदि है उन्होंने, नशे के लिए पैसे मांगते रहते, सबसे मांगते रहते हैं घर में भी बाहर भी हर जगह से पैसे मांगते रहते, पूरी गली में भी लोगों से ऐसे पैसे मांगते रहते उन्होंने। मैं मेरा सपोर्ट के लिए मेरे देवर को बुलाई, मेरे हस्बैंड उस टाइम पर जॉब पे थे, तो मैं सपोर्ट के लिए मेरे देवर को बुलाई मोहम्मद मुजफ्फर को, उन्होंने आए, उन्होंने आते कुछ बात नहीं करे, कुछ नहीं करे, चाकू मेरे हस्बैंड को मारने के लिए रखे थे, कोई चाकू से क्या करे, उन्होंने मेरे देवर के ऊपर अटैम्प्ट कर दिया, उन्होंने मेरे देवर को 3 बहुत हद से ज़्यादा छुरी से मारे, उन्होंने मार के पूरे हाथ पे पूरे टाके स्टिचेस पूरे आए हैं। और इसलिए मैं वही बोलना चाह रही हूँ आपसे कि हम लोगों को इंसाफ होने का है, परवेज अली को जेल में डालना है, आमिर परवेज अली दोनों को भी जेल में डालना है। पुलिस से अपील है मेरी कि हमारे को ऐसा इंसाफ होने का है, मेरी मेरे हस्बैंड की मेरे बच्चों की जिम्मेदारी हमारे कोई ले नहीं सकते, अब हम लोगों के साथ क्या होगा हम बोल नहीं सकते, और हमारे को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। और मेरी अपील है पुलिस से ही है कि हमारे साथ दे और हम लोगों की जिम्मेदारी ली बस। ठीक है, अब उन्होंने एक बार मेरे देवर के साथ कर चुके, वो नेक्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड के साथ भी करने को कम नहीं है उन्होंने, ये दोनों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होने का है मेरे को। मुजफ्फरपुर मारे बोल के हम लोग सब यहाँ घर से गए थे, मुजफ्फरपुर चाकू से मारे, हम लोग देखने गए तो मैं बोली काई को मारे बोल के गई थी, मेरे को भी इतना मारे लोग बेहोश कर दिए मार के रोड के ऊपर, आज पेशेंट हूँ मैं, मेरे हम लोग को बहुत तकलीफ हुई मार के लोग बोले, और क्या बोले पुलिस वालों को बोले आप लोग दरकार बचाओ भाई, हमारी जान का खतरा है हम लोग को। कौन मारे आप लोग? हाँ परवेश आमिर। कौन है ये लोग? ये मेरी बहन के लड़के हैं दोनों भी जी। हाँ दोनों भी हमारे बहन के लड़के, भाई को आप लोग लड़े आप भाया भाया चाप लौट तो गंदी गाली देके दोनों जन मारे मेरे को, और नशे में फूले पैरी बीवी को फांसी देके मारा सोला, और इनके घर में गांजे की नशे की पाकिट रखे, हर चीज इनके घरों के अंदर, और इंजेक्शन आ लेते लोग घरों के अंदर। मेरे से दरख्वास्त है और आप लोग इंक्वायरी करो, और हमारी जान का बहुत खतरा है, आप लोग भी करो, हमारे को हमारे बहुत मुजफ्फर खान को बहुत मारे थे को। अच्छा पुलिस से गुजारिश है हमारे को इंसाफ चाहिए, कड़ी से कड़ी हम लोग को इंसाफ चाहिए। जो हमारे पर अटैक हुआ था हिमानगर पी एस, अभी तक जो है कुछ एक्शन नहीं लिए, परवेज अली को 1 घंटे के लिए पकड़े थे फिर छोड़ दिए साहब, ना फिर हमारी जान को धोखा है साहब, अभी तक हिमानगर पी एस वाले ना एग्नोमिस्ट लेटर दिए ना FIR कॉपी दिए साहब, अंजनी कुमार से हमारी रिक्वेस्ट है साहब, हमारी जान को धोखा है साहब, हमारी मदद कीजिए साहब।